वहीं गणेशोत्सव पर्व मनाते हुए सेक्टर 2 में भी न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति द्वारा आयोजन के 38वें वर्ष में विशाल प्रतिमा स्थापित कर पूरे 9 दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर विभिन्न आयोजन किए गए। वहीं समापन पर भंडारे के साथ पूजा अर्चना व भजन नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आइए देखते हैं समापन पर किए गए आयोजन की खास झलकियां। जय गणेश। मैं सारे प्रदेशवासी को मैं धन्यवाद दूंगा इस सफल आयोजन के लिए, बप्पा के दर्शन के लिए सारे भक्तगण आए, पूरा जो समिति का जो था नियम था उसको फॉलो करते आए हुए। मैं सारे भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि युवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और ये हमारा 38वां वर्ष था, बप्पा स्वयं विराजमान थे, सिद्धि विनायक जी, और ब्रेकिंग न्यूज़ का जो बना था लोग मतलब पब्लिक जो था जन सैलाब था, बहुत ही अच्छा रहा कि भक्तिभाव से लोगों ने एक भक्तिभाव का माहौल जो मिला हमारे भिलाई शहर को। मैं पूरी समिति की ओर से मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ये जो हमारा थीम था, मैं बार बार कहता हूँ कि सारे पत्रकार बंधुओं ने जो हर वर्ष जो कोरोना काल में जो इतने ऐसे बुरे दौर में बाहर निकल जो खबर आती थी, जो लोग हम अपने घरों में रहते थे उस वक्त जो ने जो मेहनत किया, जो कार्य किया, तो उनके लिए डेलीगेट था जो पत्रकारों के लिए इस पूरा आप पंडाल में आप देखेंगे मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ जो लगा हो। धन्यवाद। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बहुत खुशी का विषय है ये कि न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति भिलाई सेक्टर 2 और ये 38वां वर्ष है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही हम अंदर आए तो हमने देखा कि चारों ओर समाचार पत्र निकले हुए, इतनी सुंदरता से समाचार पत्रों को सजाया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गणेशोत्सव समिति ने इस वर्ष पत्रकारों को समर्पित कर दिया है, ये गणेश उत्सव पत्रकारों को समर्पित कर दिया है। ये पत्रकार अपनी जान जोखिम कर समाचार संकलन करते हैं,